ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजा जी होंगे। गाइस, कल का दिन आ गया। कल जा रहे बड़े मम्मी बड़े पापा कनाडा। उससे पहले ना, अभी मैं मम्मी पापा और बड़े मम्मी बड़े पापा हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग में। तो मेरे पापा नहीं जा रहे हैं, बड़े मम्मी बड़े पापा, मैं, मम्मी, हम सब जा रहे हैं शॉपिंग में। तो फिर उसके बाद उनका डिनर है। और गाइस, ये वाला व्लॉग ना कल तक कंटिन्यू रहेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, गाड़ी भी बाहर निकाल ली। मम्मी बस अभी आ रही हैं, बड़े पापा भी रेडी हो रहे हैं। मम्मा का फ़ोन आया कि 2 मिनट रुक जाओ, तो 2 मिनट यहाँ पे वेट करके फिर हम निकलते हैं उनको लेने। फिर ना गाड़ी में हवा भी भरवानी है, फिर उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग। हाय कर दो मम्मा। हाय। हेलो, ऐसे करते हैं। हेलो। चले, चलो। गाइज, हम पहुंच चुके हैं बड़े मम्मी बड़े पापा के लैंडमार्क में। तो अभी तक वो आए नहीं है, तो एज यूजुअल हमेशा लेट ही रहते हैं। तो जैसे वो आते हैं फिर हम जाते हैं हवा भरवाने, उसके बाद निकलते हैं मेरठ। देखो भाई, बहुत लेट करते हो आप लोग, हमेशा ही एज यूजुअल ये लेट रहते हैं। कल आपकी फ्लाइट है, फ्लाइट में टाइम पे पहुंच जाए ना। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं हवा भरवाने, पापा निकल गए हैं बाहर। चुके हैं बाजार। हम पहले लेने जा रहे हैं पग, पगड़ी ले जानी है मम्मी को। पहले हम देखेंगे पगड़ी। हाँ जी, चलो जी पगों की शॉपिंग डन। गाइस, बड़ी मम्मी से मिलने ना बिंदु आंटी आई हैं, तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उस कमरे में, मिलवाती हूँ सबसे। देखो गाइस, बिंदु आंटी आई हैं। पापा कल तो जुड़ रहे हो आप कनाडा की ओर। पापा नर्वस है, पहली बार बैठेंगे प्लेन में। तो गाइस, मैं अभी यहाँ पे डिनर लगाने जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। गाइस, आज के मेन्यू में है राजमा, रायता, पनीर की भुर्जी और बन रही है रोटी, और वो है यहाँ पर चावल। तो गाइस, अब मैं ना रोटी बना रही हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कल आऊँगी मैं मिलने। अच्छा, हाँ भी कल ध्यान मिल जाएगा, बहुत ध्यान मिल जाएगा। देख लीजिए, कोशिश करेंगे काम देखिए मिल सकती है तो। हाँ, चलो जी, बाय बाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपने देखा था, कल बड़े मम्मी बड़े पापा डिनर के लिए आए थे हमारे घर, तो वो जा चुके थे। तो मैंने सोचा कि पूरा आपको जर्नी दिखाऊंगी उनके जाने तक की। तो अभी ना शाम के बज गए हम 5, वो 8:30 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, फिर सुबह 4:15 बजे की उनकी फ़्लाइट है। तो अभी मैं और मम्मी पापा, मम्मी और मैं अभी जा रहे हैं, पापा भी दूध लेकर जैसे आएँगे फिर वहीं पर ही आ जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पर क्या चल रही है तैयारियाँ। गाइज, मैं और मम्मी जा रहे हैं मम्मी के घर। मम्मी जी, आपकी जेठानी, जेठानी कम बहन जा रही है कनाडा, तो क्या मम्मी की फीलिंग से चले जाती है? जा रहे हैं। हाँ, मम्मी बता रही, कह रही कि मेरा दिल को ये हो रहा है, धक 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 हो रहा है, मैं कैसे रहूंगी अपनी जेठानी के बिना। देखिए गाइज, देवरानी जेठानी का प्यार हमारे घर में। तो चलिए गाइज, मिलते हैं हम। गाइज, हम जा रहे हैं स्कूटी से। गाइज, वी आर रीच्ड। खान आया है। अच्छे से आना चाह रही हूँ चाची। वैसे भी अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाय प्रिया, हाय।
ये हमारी सोनू दीदी द लेजेंड म्यूजिशियन, जानती है वो सब, जानते हैं मेरे को, जैसे चंदा जानती है उसमें व्यूज ज्यादा आते हैं। ओह माय गॉड, सोनू दीदी की जय हो। सोनू दीदी की जय हो। वेलकम गाइज, तो अब कैमरा पकड़ लिया मैंने, जो आपको इंट्रोड्यूस कराती है प्रिया की सोनू दीदी हैं परम कौर। तो अब देखिए परम कौर जी घोटम घोटम कर रही हैं, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी का कार्यक्रम आज प्रिया कर रही हैं। गाइज ये हमारी पिंकी भाभी बैठी हैं, इन्होंने भी पहले प्रयास कर लिया है, उससे पहले मैंने पकड़ा हुआ था लेकिन ये निकल नहीं रहा है हमारा। गाइस हमारा मक्खन बन के नहीं दे रहा है, तो हाँ। अभी चौथे हाथ में आया है, तो मेरे को लग रहा है कि चाची का हाथ लगते ही मक्खन हॉट हो जाएगा। चाची बहुत एक्सपर्ट है। हाँ, और तब जाकर के मक्खन निकलेगा। मैं कच्ची दिया ना बनने तो कच्ची ना डोंगे जमला ना बनेगा। मम्मी मैं बना के दिखाऊंगी, गाइस मैं बना के दिखाऊंगी, चौथे हाथ में आया है, किसी से मक्खन नहीं निकला। आई एम ट्राइंग हार्ड। थोड़ा सा आ रहा है सेमी, उसमें आ रहा है, आ तो देखते हैं किसको जाता है ये पूरा क्रेडिट। आधा घंटा से पिंकी को क्रेडिट क्रेडिट गोज टू प्रिया। गाइस अब आगे मक्खन पांचवे हाथ में फाइनली, कोई मक्खन नहीं आया, कोई हमारा मक्खन बन के नहीं दे रहा है, पापा ने पानी डाल दिया, जुगाड़ से मक्खन बनाने की कोशिश में है, आप देख सकते हैं। देखिए इंडिया में कितनी मिलावट, देखिए कितनी मिलावट है दूध में, कि हमारा मक्खन ही बन के लिया। गाइस देखिए फाइनली घी बन गया है, कैसे तैसे करके बहुत जुगाड़ लगाने पड़े इसको बनाने के लिए। अब इसने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया, देखिए ब्राउन ब्राउन होने लग गया है ना, तो इसका मतलब हमारा घी रेडी हो रहा है, मतलब हो चुका है। गाइस देखिए ये हमारे डिनर के लिए, और मैं आपको और भी दिखाती हूँ, यहाँ पे दाल अब मैं बनाने जा रही हूँ फुलके, और ये है दाल छोले, ठीक है। तो सारी बची हुई सब्जियाँ अब यूटिलाइज हो रही है, मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, फिर कुछ टाइम पे मम्मी पापा का टाइम हो जाएगा जाने का, तो चलिए मिलते हैं आपसे। ताऊ मुझे मिस करोगे ना? ताऊ इज गेटिंग रेडी, राइस बन जा रहा है। गाइस देखिए आंटियाँ मिलने आई हैं, बड़ी मम्मी जा रही है ना, तो देखिए इनका प्यार, ये मिलने आई हैं। आंटी हाय तो कर दो। अरे ऐसे हो रहे सब। कितने घंटे की फ्लाइट है ये आगे से दिल्ली से? 14:30। अरे फिर मिला, अरे भाई 3 महीने के लिए जा रही है मम्मी, इमोशनल हो गई तो मिला ही जाएगा। तो कनाडा जा रही की ज्यादा लग रही है, मुझे हाई भी नहीं कर। चलो बाय, ध्यान से देना, मैं फोन कर लूंगी मैं। चलो हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय। चलो जो बोले सो निहाल। चलिए गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, बड़े मम्मी बड़े पापा जा चुके हैं एयरपोर्ट, उनकी 3-4 घंटे बाद फ्लाइट है, और वो कल यहाँ के 8:30 कनाडा पहुँच जाएंगे। तो 3 महीने आपको वो मेरे व्लॉग में नहीं दिखेंगे गाइस, तो चलिए आई विश कि उनकी हैप्पी एंड सेफ जर्नी रहे। तो चलिए गाइस मैं करने जा रही हूँ इस व्लॉग का, एंड कीप सपोर्टिंग मी एज़ द वे यू गाइस आर सपोर्टिंग परम कौर एंटरटेनमेंट व्लॉग्स।